हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, बता रहे हैं एक और वैकेंसी के बारे में। आप लोगों का बहुत कमेंट आता है कि आप ऑफलाइन भर्ती के बारे में बताया करिए, तो आपको मैं बता रहा हूँ। ये जो भर्ती है, इससे पहले मैं एक भर्ती बताया था जो कि ऑफलाइन था, ये भी भर्ती आपका ऑफलाइन है। देख पा रहे हैं आर्मी हेडक्वार्टर नॉर्थ कमांड का है। यहाँ पे देख पा रहे हैं रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ द मैसेंजर, यानी मैसेंजर का पोस्ट है, आपको बता दें। और सबसे बुरी और अच्छी खबर भी इसी पोस्ट में है। बताया जाए कि बात किया जाए तो इसमें आपका देख पा रहे हैं यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट में लिखा गया है, पे मैट्रिक्स में यहाँ पे देखा गया है पोस्ट जो है मैसेंजर। और सैलरी तो अच्छी खासी रहेगी, यहाँ पे देख पा रहे हैं जो आ रहे यहाँ पे 20,200 शो कर रहा है। और एज की बात करें तो 18 से 25 ईयर तक एज है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ओनली आप में इसमें 10th पास मांग रहा है, 10th पास आपका रहना चाहिए। लेकिन अब बुरी बात मैं बताता हूँ, आपको वैकेंसी में लगभग आपके दो ही पोस्ट देखने को मिल जाते हैं। अब दो पोस्ट हैं तो आप डाल सकते हैं ना भी डाल सकते हैं, इसलिए मैं सोचा छोटा वीडियो में आपको बता दूं। तो दो पोस्ट अगर आप जनरल के हैं तो डाल सकते हैं, ओबीसी के हैं तो डाल सकते हैं। जनरल ओबीसी की एक एक सीट है यहाँ पे देख पा रहे हैं उसके बाद। और बात करते हैं इसमें एज का, तो एज काफ़ी अच्छा है यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो कि मैं वो बताऊंगा। जनरल का जो कि एज है 18 से 25 ईयर तक है, और ओबीसी का 18 से 28 ईयर तक है। और जो छूट मिलता है आपको ओबीसी का 3 साल का, SC ST का 5 साल, वही है। तो SC ST का तो कोई सवाल ही नहीं है। अब देख पा रहे हैं जो कि इस भर्ती का लास्ट डेट है 4 अगस्त को है। अभी भर्ती चल रही है, चालू हो चुकी है, 4 अगस्त लास्ट डेट है। अगर आप इच्छुक हो तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ सिलेबस के बारे में बताया गया है आपको। बता दें कि सबसे पहले फिजिकल होगा, फिर रिटर्न एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल होगा आपका। और ये देख पा रहे हैं जो कि क्या नाम है, कि ये फॉर्म है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे फॉर्म भरने का नाम और लेटर, ये फॉर्म है आपका, इसी फॉर्म में भर के जमा करना है आपका। एड्रेस मैं बता दूंगा, चाहे आप नोटिस भी दे दूंगा, वहाँ से आप एड्रेस चेक कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यही जानकारी देनी थी। अगर अच्छी लगी हुई तो शेयर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद।